IBPS PO Notification 2023. Hello, my dear students. Bank PO का फॉर्म, जिसको IBPS PO हम बैंक PO कहते हैं, बैंक PO का फॉर्म जो है वो IBPS ने वो जारी कर दिया है. तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, प्री में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा, इंटरव्यू कैसे होता है, उसका डिटेल सिलेबस क्या है, और फर्स्ट टाइम अगर हमने बैंक पीओ का पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए. और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम जो है वो पेपर भर रहे हैं बैंक पीओ का, उन्होंने इसी साल ग्रेजुएशन की है, उन्होंने, माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सारा वीडियो एंड तक देखना है, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी मिस ना हो, आप जो है फॉर्म जो है वो गलत ना भरे, इसलिए आपने वीडियो ध्यान से देखना है. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो ये IBPS PO 2023, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है. 143 स्टूडेंट्स जो है ब्राइट एकेडमी की हमारी जो सिलेक्शंस हुई थी बैंक पीओ और क्लरिकल में टोटल मिला के, तो ये हमने सक्सेस पार्टी भी की थी. तो आज जो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो ये IBPS.in की साइट पे आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है. इसकी जो लास्ट डेट है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 21 अगस्त. 21 अगस्त जो है उसकी लास्ट डेट है. ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, अलग अलग डेट्स पे होता है. सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में जाके ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा. नवंबर के मंथ में जाके आपका ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन होगा. इंटरव्यू होगा आपका जैन और फरवरी में. और 1 अप्रैल को हर साल जो है वो आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है. मतलब आप जो है अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 को अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा. अब हम बात करेंगे कि इसकी वैकेंसीज इस साल कितनी है. टोटल जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन अभी फिलहाल सभी बैंक्स ने अपनी जो है जो वैकेंसीज है रिपोर्ट नहीं की है. कुछ जो है वो बाद में रिपोर्ट करते हैं. तो अभी जो टोटल वैकेंसीज है वो 3049 है. लेकिन इसमें से टोटल 11 में से 1, 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3, 4, 5 और 6, 11 में से 6 बैंक ने अभी जो है अपनी वैकेंसीज नहीं बताई है. नॉट रिपोर्टेड, नो वैकेंसी नहीं लिखा है, नॉट रिपोर्टेड है. तो वो बाद में बताते हैं, हर साल ऐसा ही रहता है कि वो लेटर ऑन जो है वो कोई टेक्निकल इश्यूज के कारण, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण वो नहीं टाइमली कर पाते हैं, फॉर्म आ जाता है. तो ये वैकेंसी जो है आप मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 प्लस जो है वो वैकेंसीज होने वाली है. क्योंकि अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करें तो ये 3000 प्लस वैकेंसीज और आ सकती हैं. तो टोटल 6000 वैकेंसीज होंगी, जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज हैं. तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है और अपना जो सपना है बैंक पीओ लगने का वो पूरा करना है. तो अगर हम बात करेंगे कि सैलरी क्या रहती है बैंक पीओ की, 50,000 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 52,000 रुपीज जो है वो आपको जो है वो सैलरी मिलेगी बैंक पीओ में. तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, इसलिए अच्छे से मेहनत करके पेपर पास करना है. क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन 22 अगस्त 2023 को एक सिंपल ग्रेजुएट डिग्री मांगते हैं ये, और कुछ नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज का, मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है. और ये जो आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है, इन्होंने लिखा है कि आपकी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21-8-2023, मतलब रिजल्ट 21-8-2023 से पहले या उस दिन तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए. लेकिन ये जो आपके मार्कशीट वगैरह चेक होगी, ये जो चेक होगा ये सारा सबमिट होगा जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. आपको डिग्री वगैरह की या मार्कशीट की अभी जरूरत नहीं है, तो ये एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जरूरत पड़ती है. एज आपकी चाहिए 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 को, मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम जो है वो 30 इयर्स. मतलब अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003. तो ये आपने ध्यान रखना है. और एज की रिलैक्सेशन भी है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है, ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर है, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर है. तो ये एज का क्राइटेरिया रह गया. अब अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं तो ब्राइट एकेडमी में आपको ऑफलाइन कोचिंग भी मिल जाएगी और ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाएगी. 3-4 मंथ्स का जो एक्सक्लूसिव बैच रहते हैं बैंक पीओ के लिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो डेली होती हैं, करंट अफेयर भी सारा करवाते हैं, फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, ग्रीन कार्ड है. जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती आप हमारे यहाँ कोचिंग कर सकते हैं. IBPS PO जब अगर आपका प्री पास हो जाता है तो मेंस और इंटरव्यू का बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इंटरव्यू की कोचिंग भी फ्री रहती है. 7 और 21 अगस्त को जो है हम ये स्पेशल बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग लेता है, जो ऑनलाइन का वीडियो कोर्स का जो एक्सेस होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं. तो ये कहां पर होगी कोचिंग, ब्राइट एकेडमी सेक्टर 15A चंडीगढ़ मध्य मार्ग,
और हमारा जो फोन नंबर है 9988442200, तो 9988442200 आप इसको चेक कर सकते हैं। और स्पेशल वीडियो कोर्स भी है, अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस है, सारे लेटेस्ट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। 7000 का ये वीडियो कोर्स है। ब्राइट अकेडमी के एप्लीकेशन का जो लिंक है, जो कि iOS, विंडो और एंड्रॉइड तीनों पे है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 1 साल की वैलिडिटी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वीडियो कोर्स लेने से पहले आप जो है वो डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो कोर्स को लेके कोई भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप 9988442200 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो 175 फी है फॉर SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और 850 फी है बाकी सभी के लिए। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो, पहले होता है प्री का पेपर। प्री होता है उसमें इंग्लिश आती है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आती है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 35 जो है रीजनिंग और क्वांट के रहते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स 30, 35 और 30। ये इंग्लिश में होता है, ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। और आपको सेपरेट टाइम मिलता है, मींस 20-20 मिनट का सेपरेट टाइम मिलता है। और कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय स्कोरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिसाइडेड बाय IBPS डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। और कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच, आपको हर किसी में इंडिविजुअल क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और ओवरऑल भी मेरिट बनती है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मतलब आपको टाइम भी अलग मिलेगा हर पेपर के लिए, आपको इंडिविजुअल पास भी करना है, सो दैट कि आपका प्री पास हो तो आपको मेंस में जो है वो कॉल आए, और प्री के जो मार्क्स है वो फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें एड नहीं होते। अब आ गया हमारा, जब प्री पास हो गया तो मेंस में क्या सिलेबस रहेगा। प्री और मेंस के बीच में आप ये मान के चलिए 15 से 20 दिन का गैप होता है, उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें भी सेपरेट टाइम है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये बैंकिंग नहीं आती, अवेयरनेस वाली बात कर रहे हैं, मतलब जो बेसिक करंट में जो बैंकिंग होती है वही आती है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स एंड डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन 60 मिनट एंड 45 मिनट्स, मतलब टोटल क्वेश्चन बनते हैं 155 और मार्क्स बनते हैं 200 और टोटल टाइम बनता है 3 आवर्स। और उसके बाद एक लेटर एस राइटिंग एंड एसे होती है, ये साथ साथ ही उसी टाइम हो जाती है कंप्यूटर पे। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स और टोटल होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं ये 30 मिनट्स, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। कट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम का जो है वो डिपेंड करता है कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बुलाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या रहता है। टोटल मार्क्स फॉर द इंटरव्यू जो माय डियर स्टूडेंट्स वो रहते हैं 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मतलब आपका जो है वो आपका जो जो ये हो गया 200 मार्क्स का जो आपका जो है मेंस हो गया और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। लेकिन वेटेज ऐसी नहीं है, जो मेन एग्जामिनेशन है उसकी वेटेज रहती है रिटर्न की 80% और जो इंटरव्यू है उसको वेटेज रहती है 20%। मतलब इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स है वो 20% वेटेज रहेगी, हालांकि वो 100 मार्क्स का है लेकिन उसकी वेटेज जो है वो कन्वर्ट होकर 20 में कन्वर्ट कर देंगे, और रिटर्न की जो है वो आपकी मेंस की जो है वो जो है 80% रहेगी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, प्रिलिमिनरी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। तो अगर आपका इंटरव्यू और इन दोनों में आपकी रैंक आ जाती है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आप बन जाओगे 1 अप्रैल 2024 को बैंक पीओ बन जाओगे आप 1 अप्रैल 2024 को। तो आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। और सिलेबस की बात करें कि रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस होता है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि स्क्रीनशॉट लेके आप फिर इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक हैं जो सारे पेपर में आते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश का जो ये प्रिलिमरी का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही जीके एंड बैंकिंग जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आ गई कि सर पेपर कैसे पास करें पहली बार भाई, तो माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ हार्ड वर्क से पेपर नहीं पास होगा, हार्ड वर्क प्लस राइट स्ट्रेटजी से जो है, राइट डायरेक्शन जो है, आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी, आपका पेपर पास होगा। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि जो पहले दिन से ही मॉक तैयारी अभी स्टार्ट करी, मॉक करने लग जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना है, पहले प्रीलिमरी के क्या करना है, आपने मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, और जो टेस्ट करने हैं वो सिर्फ चैप्टर वाइज,
मतलब मान लो मैथ्स का एक चैप्टर परसेंटेज का आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपने उस परसेंटेज का कोई टेस्ट करना है कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने पूरा सिलेबस मैथ्स का नहीं करना है। और डेली करंट अफेयर, क्योंकि मेंस में टाइम कम मिलता है, तो डेली करंट अफेयर की जो है रीडिंग करनी है, नोट्स बनाने अपने खुद के, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं आपने, या अगर आप ब्राइट अकेडमी ज्वाइन किया हुआ है तो ब्राइट अकेडमी के जो नोट्स हैं आपको मंथली वीकली मिलते हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट कब करनी है आपने? पेपर से एक महीना पहले, एक महीना पहले पेपर से जो है आपने मॉक टेस्ट के ऊपर जो है फोकस करना है, आपने पहले मॉक टेस्ट नहीं करने हैं। तो आप इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपका जो है वो पेपर जो है बैंक पीओ का पास होगा। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो हमने आपको नंबर प्रोवाइड किया वहां पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।